सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज में लिखा गया है कि सरकार बेरोजगारों को 6000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे रही है। दरअसल यह एक व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें 6000 रुपए भत्ता दिए जाने का दावा किया गया है, लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ और है। क्या है वो हकीकत, क्या है इसके पीछे का सच, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं किसान तक। सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2024 का एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में देश के बेरोजगार लोगों को 6000 रुपए देने की बात कही जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि सरकार बेरोजगारों को जीवन यापन करने के लिए 6000 रुपए की मदद करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसे सभी दावों को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी योजना बेरोजगारों के लिए अब तक चालू नहीं की गई है। दरअसल घोटाला करने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं। इन सरकारी योजनाओं का जल्द से जल्द लाभ उठाने के लिए लोग अपनी निजी जानकारी बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसी जगहों पर साझा कर देते हैं जिसके जरिए उनके खातों से पैसे गायब होने लगते हैं। लोगों को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए PIB लगातार लोगों को सतर्क करता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।